हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल मीनाक्षी शर्मा एजुकेशन टारगेट पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन गैल्सवर्दी, और इस वीडियो में आपको जॉन गैल्सवर्दी की बायोग्राफी और इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं वो सभी और बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। और इसमें हम कुछ न्यू फैक्ट्स भी डिस्कस करने वाले हैं जॉन गैल्सवर्दी के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द ऑक्यूपेशन। इनका जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है? इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड प्ले राइट। तो ये इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं और प्ले राइट हैं। देन बर्थ, इनका जो बर्थ हुआ था 14 अगस्त 1867 में हुआ था एट हिज फैमिलीज होम, इनके फैमिली होम में। और इनके फैमिली होम का नाम क्या है? पार्क फील्ड, जो अब गैल्सवर्दी हाउस के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ है? ये है ऑन किंगस्टन हिल इन सरे। तो किंगस्टन हिल सरे में, किंगस्टन हिल पर इनका जो हाउस है पार्क फील्ड, ये इनका फैमिली होम है जिसको अब गैल्सवर्दी हाउस के नाम से जाना जाता है। नाउ इनकी डेथ देख लेते हैं। यहाँ पे इनकी जो डेथ हुई थी 31 जनवरी 1933 में हुई थी। और इनकी जो कॉज है डेथ का वो है ब्रेन ट्यूमर। इनको ब्रेन ट्यूमर हो गया था जिससे इनकी डेथ हुई थी। नाउ फादर, इनके फादर का नाम है जॉन गैल्सवर्दी, जो कि लंदन में सोलिसिटर थे। और इनकी जो मदर थी वो है ब्लैंची बेली। और देखिए यहाँ मैंने एक पिक्चर भी ली है, ये पार्क फील्ड होम जो इनका है नाउ कॉल्ड जॉन गैल्सवर्दीज हाउस, तो इस नाम से जाना जाता है। ये इनके घर का मैंने यहाँ पे पिक भी लगाया हुआ है। अब आगे देखते हैं, इनकी जो वाइफ है उनका नाम है एडा गैल्सवर्दी। और ये जो सेकंड चाइल्ड हैं अपने फादर के, इनके जो फादर हैं जॉन गैल्सवर्दी, उनके चार बच्चे हैं। उन चार बच्चों में से ये अल्डर सन हैं और सेकंड नंबर के ये चाइल्ड हैं। मीन इनसे बड़ा भी कोई है, फिर सेकंड नंबर पे ये हैं। और जॉन गैल्सवर्दी के टोटल चार बच्चे हैं। तो जॉन गैल्सवर्दी यहाँ इनके फादर के लिए बोला गया है। और जॉन गैल्सवर्दी जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये चार भाई बहन हैं। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ इनकी एजुकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे गैल्सवर्दी वाज एजुकेटेड बाय अ गवर्नेस अंटिल ही वाज 9। तो 9 ईयर तक, मीन्स 9 साल की एज तक वो उनको एक गवर्नेस के द्वारा पढ़ाया गया था। एंड इन 1876 ही वॉज सेंड टू सौगिन। और 1876 में उनको सौगिन भेज दिया गया, अ स्मॉल प्रिपरेटरी स्कूल इन बॉर्नेमाउथ, जो कि एक स्मॉल प्रिपरेटरी स्कूल था बॉर्नेमाउथ में। ही वॉज हैप्पी देयर, और वो वहाँ पर बहुत खुश भी थे। क्यों? एंड हिज हैप्पीनेस इंक्रीज्ड, और उनकी हैप्पीनेस और भी ज़्यादा बढ़ गई। When his younger brother Hubert was sent to join him, जब उनका जो छोटा भाई है Hubert, उसका भी एडमिशन वहाँ पर करा दिया गया, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो गए। In the summer term of 1881, Galsworthy left Saugeen to go to Harrow School. अब 1881 में इनका जो एडमिशन है वो हैरो स्कूल में करा दिया गया, जब इन्होंने ये सौगिन स्कूल को छोड़ दिया। तो यहाँ पे 1876 से लेकर के 1881 तक इनकी जो एजुकेशन हुई है वो यहाँ सौगिन स्कूल में हुई है। नाउ ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द स्कूल फुटबॉल टीम, और ये स्कूल फुटबॉल टीम के मेंबर भी बने हैं वहाँ पे। एंड कैप्टन ऑफ हिज हाउस 11, और अपने हाउस 11 के कैप्टन भी वहाँ पर रहे हैं। अ कंटेम्प्रेरी लेटर डिस्क्राइब्ड हिम, और उनका जो एक कंटेम्प्रेरी है कोई, उन्होंने बाद में डिस्क्राइब भी किया है इनके बारे में, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट फुटबॉल प्लेयर्स एंड रनर्स देयर हैव एवर बीन एट हैरो, अ ब्यूटीफुल ड्रिबलर एंड फुल ऑफ प्लक। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्लेयर रहे हैं फुटबॉल में। तो इनके ऊपर जो इनके कंटेम्प्रेरी ने ये कोट भी दिया है। देन अक्टूबर 1886,
आफ्टर हैरो गैल्सवर्दी वेंट टू न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड। अब 1886 में इनका जो एडमिशन है न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में हो गया टू रीड लॉ मैट्रिक्यूलेटिंग इन अक्टूबर 1886। तो वहाँ पे इनको लॉ की पढ़ाई करने के लिए भेज दिया गया। अब इनके मैरिज से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पे। इन 1895 गैल्सवर्दी बिगेन अ लव अफेयर विद द वाइफ ऑफ हिज कजिन आर्थर गैल्सवर्दी। अब 1895 में गैल्सवर्दी का जो लव अफेयर स्टार्ट हो गया उनके कजिन आर्थर गैल्सवर्दी की वाइफ के साथ। तो अपनी ही कजिन की वाइफ के साथ इन्होंने अपना लव अफेयर स्टार्ट किया इन 1895। एडा गैल्सवर्दी हैड मैरिड आर्थर इन 1891। और आर्थर और एडा गैल्सवर्दी की जो मैरिज हुई थी वो 1891 में हुई थी। और 1891 के बाद 1895 में इन दोनों का लव अफेयर स्टार्ट हो गया था। तो इन दोनों का जो मैरिज थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी और आफ्टर वन ईयर ही इनका मुझे लगता है डिवोर्स के लिए इनका केस चलने लगा था और इन्होंने अलग होने का फैसला कर लिया था। देन अंटिल द डेथ ऑफ जॉन गैल्सवर्दी सीनियर इन 1904। तो सीनियर मतलब यहाँ पे जॉन गैल्सवर्दी के जो पिता हैं उनकी डेथ हुई है 1904 में। और उनकी डेथ होने तक एडा एंड गैल्सवर्दी कैप्ट देयर रिलेशनशिप सीक्रेट। तो उनके फादर की डेथ होने तक एडा और गैल्सवर्दी दोनों ने अपने जो रिलेशनशिप है जो इनका लव अफेयर था उसको बिल्कुल सीक्रेट रखा। एडा एनकरेज्ड गैल्सवर्दी टू बिकम अ राइटर। और एडा ने ही एनकरेज किया था गैल्सवर्दी को राइटर बनने के लिए। एज डिड हिज टू सिस्टर जैसे कि उनकी दो सिस्टर्स लिलियन मीन्स लिली एंड मैबेल क्लोज फ्रेंड्स ऑफ एडा। गैल्सवर्दी की जो दो सिस्टर्स थी लिली एंड मैबेल वो दोनों एडा की बेस्ट फ्रेंड थी और वो भी राइटिंग करियर में मतलब उन्होंने भी अपना हाथ आजमाया था। तो यहाँ पे एडा ने गैल्सवर्दी को भी फोर्स किया था राइटर बनने के लिए। आगे देखते हैं। इन 1904 गैल्सवर्दीज फादर डाइड। अब 1904 में गैल्सवर्दी के फादर की मृत्यु हो गई एंड देयर वाज नो लॉन्गर एनी कॉज फॉर सीक्रेसी अबाउट हिज सन्स रिलेशनशिप विद एडा। तो अब उनके पास कोई ऐसा जो कोई मतलब रीजन नहीं रहा था कि वो अपनी रिलेशनशिप को सीक्रेट रखें। आफ्टर द फ्यूनरल द कपल वेंट टू स्टे एट विंगस्टन अ फार्म हाउस इन द विलेज ऑफ मैनहट्टन ऑन द एज ऑफ डार्टमोर। तो अब देखिए फादर की जब डेथ हो गई उनका फ्यूनरल हो गया उसके बाद जो कपल हैं एडा एंड गैल्सवर्दी दोनों के दोनों कहाँ रहने लगे विंगस्टन में रहने लगे। और ये जो विंगस्टन था ये क्या है एक फार्म हाउस है जो कि मैनहट्टन विलेज में है ऑन द एज ऑफ डार्टमोर। तो विच ही हैड कम अक्रॉस वैन ऑन अ वॉकिंग टूर। और यहाँ ये पहले भी गए थे एक वॉकिंग टूर के टाइम पे इन्होंने इस जगह को पहले ही देख लिया था। इट वॉज द फर्स्ट ऑफ मैनी विजिट्स दे मेड देयर। और उन्होंने वहाँ पे काफ़ी विजिट्स भी की थी। एंड फोर ईयर्स लेटर गैल्सवर्दी टुक अ लॉन्ग लीज ऑफ पार्ट ऑफ द बिल्डिंग। और कुछ टाइम बाद 4 सालों बाद गैल्सवर्दी ने एक बिल्डिंग के पार्ट को भी लीज पे ले लिया था विच वॉज द कपल्स सेकेंड होम अंटिल 1923। जो उनका सेकेंड होम था और 1923 तक फिर दोनों के दोनों वहीं पे रहे थे। देन आर्थर गैल्सवर्दी स्यूड। तो स्यूड होता है मुकदमा चलाना। तो आर्थर गैल्सवर्दी ने मुकदमा चला दिया था फॉर डिवोर्स डिवोर्स के लिए इन फेब्रुअरी 1905 में उन्होंने मुकदमा दायर किया था डिवोर्स लेने के लिए। एंड द डिवोर्स वाज फाइनलाइज्ड ऑन 13 सितंबर ऑफ दैट ईयर। और देखो फेब में उन्होंने
मुकदमा चलाया था और 13 सितंबर को उनको डाइवोर्स जो उनका हो गया था। एंड एडम मैरिड जॉन गैल्सवर्दी 10 डेज लेटर, और उनके डाइवोर्स के 10 दिनों बाद एडा और गैल्सवर्दी ने मैरिज कर ली थी। द मैरिज विच वाज चाइल्डलेस लास्टेड अंटिल हिज डेथ, और इस मैरिज से उनको कोई भी जो चाइल्ड नहीं हुआ था, कोई भी बच्चा नहीं हुआ था, और ये जो उनकी मैरिज थी ये गैल्सवर्दी की डेथ तक, मतलब पूरी तरह से सक्सेसफुल मैरिज रही है ये, और ये गैल्सवर्दी की डेथ तक चली है, लेकिन इस मैरिज में उनका कोई भी बच्चा नहीं था। नाउ सम मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर हेयर। ऑन द वॉयज फ्रॉम एडिलेड टू केप टाउन बिगिनिंग इन अप्रैल 1893, अब वो अपनी एक वॉयज पे जाते हैं, वॉयज होती है ट्रैवल, सी ट्रैवल, कहाँ पे? एडिलेड टू केप टाउन, एडिलेड से लेके केप टाउन तक, जो कि अप्रैल 1893 से स्टार्ट हुई थी। गैल्सवर्दी मेट द शिप्स फर्स्ट मेट जोसेफ कॉनरेड, हु हैड येट टू बिगिन हिज करियर एज अ राइटर। द टू बिकेम लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और एग्जाम में आ भी जाता है कि 1893 में गैल्सवर्दी किससे मिले थे, तो हमें बताना पड़ेगा जोसेफ कॉनरेड से, या ये भी आ सकता है कि जोसेफ कॉनरेड से कौन से ईयर में गैल्सवर्दी मिले थे, तो 1893। और अगर ये पूछें कि कहाँ से कहाँ तक वो ट्रैवल कर रहे थे, तो वो एडिलेड से लेके केप टाउन में जा रहे थे। इन 1904 गैल्सवर्दी वेंट टू रसिया, 1904 में वो रसिया गए, वेयर हिज फादर हैड फाइनेंशियल इंटरेस्ट बिफोर रिटर्निंग टू इंग्लैंड सपोजली टू रिज्यूम हिज करियर एज अ बैरिस्टर। तो रसिया क्यों गए? जहाँ पे उनके फादर थे, उनके कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट थे, उसको लेकर के वो वहाँ गए थे। और उनको मतलब स्टार्टिंग में तो सबको लगता था कि ये बैरिस्टर बनेंगे या ये जो इसी जो लॉ का फील्ड है इनका उसी में रहेंगे, लेकिन ये सब बाद में जो डिसाइड हुआ था कि उनको एक राइटर बनना है। ही रिमेंड अनएंथुजियास्टिक अबाउट वर्किंग एज अ लॉयर। तो देखिए, लॉयर बनने के लिए उनके अंदर बिल्कुल भी एंथुजियाज्म नहीं था, वो बिल्कुल भी मतलब उस चीज़ में रुचि नहीं लेते थे कि हाँ मुझे लॉयर बनना है। तो उन्होंने ये कोटेशन बोली भी है, देखो इम्पोर्टेंट कोटेशन है और ये आ भी सकती है। आई रेड इन वेरियस चैम्बर्स प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट नन नॉट एट ऑल एंड डिसलाइक्ड माई प्रोफेशन थोरोली। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मैंने काफ़ी सारे चैम्बर्स में पढ़ा है लेकिन प्रैक्टिस ऑलमोस्ट बिल्कुल भी नहीं की है, और मुझे अपना जो प्रोफेशन है पूरी तरह से नापसंद है। तो ऐसे आ सकता है, ये कोटेशन किसकी दी हुई है? तो ये गैल्सवर्दी की है। नाउ ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज ट्राइलॉजी ऑफ नॉवेल्स कलेक्टिवली कॉल्ड द फोरसाइट सागा। अब ये जो जाने जाते हैं अपनी ट्राइलॉजी के लिए, और ये ट्राइलॉजी किसकी है? नॉवेल्स की, जिसको फोरसाइट सागा बोला जाता है। एंड टू लेटर ट्राइलॉजीज, और इसके बाद जो दो ट्राइलॉजी उन्होंने और लिखी थी, अ मॉडर्न कॉमेडी एंड एंड ऑफ द चैप्टर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आ जाता है इनका। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ही वाज अवॉर्डेड द 1932 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो ये इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है, गैल्सवर्दी को नोबेल प्राइज कौन से ईयर में मिला? तो वहाँ में टिक करना पड़ेगा 1932। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बॉर्न टू अ प्रोस्पेरस अपर मिडिल क्लास फैमिली गैल्सवर्दी वाज डेस्टाइंड फॉर अ करियर एज अ लॉयर बट फाउंड इट अनकॉन्जेनियल एंड टर्न्ड इंस्टीड टू राइटिंग। तो देखिए, बहुत ही अच्छी प्रोस्पेरस फैमिली में, अपर मिडिल क्लास फैमिली में इनका बर्थ हुआ था, लेकिन गैल्सवर्दी स्टार्टिंग में सबको लगता था कि हाँ इनको बैरिस्टर बनना चाहिए, इनको ये लॉयर बनेंगे, तो यहाँ पे लेकिन उनको धीरे धीरे क्या लगा कि ये बिल्कुल अनकॉन्जेनियल है। मींस जरूरी तो नहीं है कि फादर अगर सोलिसिटर हैं, फादर अगर लॉयर हैं, तो उनको भी लॉयर ही बनना चाहिए।
तो जब इनको ऐसा रियलाइज हुआ तो उन्होंने अपना जो करियर था वो क्या कर लिया, टर्न कर लिया किस में, राइटिंग की तरफ। ही वॉज 30 बिफोर हिज फर्स्ट बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1897। तो यहाँ पे दो क्वेश्चंस देखे निकल के आए हैं यहाँ पे। एक तो ये आ सकता है कि उनकी जो फर्स्ट बुक है वो कौन से ईयर में पब्लिश हुई थी, तो वो 1897 में पब्लिश हुई है, और उस समय गैल्सवर्दी की एज कितनी थी, तो वो 30 ईयर्स के थे। नेक्स्ट एज ही डिड नॉट अचीव रियल सक्सेस अंटिल 1906। तो 1906 तक उनको रियल सक्सेस हाथ नहीं लगी थी, जबकि वो 1897 से लिख रहे थे। व्हेन द मैन ऑफ प्रॉपर्टी द फर्स्ट ऑफ हिज नॉवेल्स अबाउट द फोरसाइट फैमिली वाज पब्लिश्ड। तो 1906 में द मैन ऑफ प्रॉपर्टी जो उन्होंने लिखा वो वर्क उनका फेमस हो गया। उससे पहले जो भी वर्क थे उनके, उनसे उनके हाथ कुछ खास सफलता नहीं लगी थी। इन 1906 हिज फर्स्ट प्ले द सिल्वर बॉक्स वाज स्टेज इन लंदन। अब 1906 में उनका फर्स्ट प्ले आया द सिल्वर बॉक्स, जो लंदन में जो ये जो प्ले आया ये भी उनका बहुत इम्पोर्टेंट प्ले था। तो उसके बाद उनके हाथ में मतलब सफलता लगती चली गई, सफल होते चले गए वो। उसके बाद उनके जो भी वर्क थे सारे ही बहुत अच्छे थे। तो होता भी है जब हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम इतना ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस नहीं होते, लेकिन जब हम वो काम करते चले जाते हैं तो हमारा एक्सपीरियंस ही हमारे वहाँ पे ताकत बन जाती है। इन मार्च हिज नोवेल द मैन ऑफ प्रॉपर्टी वाज पब्लिश्ड बाय। अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है यहाँ पे कि द मैन ऑफ प्रॉपर्टी के जो पब्लिशर थे वो कौन थे, विलियम हीनमन। तो हो सकता है प्रोनाउंस ठीक ना कर पाई हूँ इसको, देख लेना। तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी के जो पब्लिशर थे वो थे विलियम हीनमन एंड इन दिसंबर, और दिसंबर में हर्ली ग्रैनविल बार्कर डायरेक्टेड द सिल्वर बॉक्स, और हार्ली ग्रैनविल बार्कर ने द सिल्वर बॉक्स को डायरेक्ट किया था इन दिसंबर मंथ एट रॉयल कोर्ट थिएटर इन लंदन। तो लंदन का रॉयल कोर्ट थिएटर था, वहाँ पे इसको डायरेक्ट किया गया था। देन द सिल्वर बॉक्स वाज द फर्स्ट ऑफ 28 प्लेज गैल्सवर्दी रोट फॉर द प्रोफेशनल स्टेज। तो गैल्सवर्दी के टोटल 28 प्लेज हैं जिसमें द सिल्वर बॉक्स था वो फर्स्ट प्ले था। नाउ बिटवीन 1906 एंड द आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1914 गैल्सवर्दी हैड 9 प्लेज प्रोड्यूस्ड एंड पब्लिश्ड 5 नॉवेल्स। तो 1906 से लेकर के जब आउटब्रेक हुआ था द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 में हुआ था, उस तक गैल्सवर्दी ने टोटल 9 प्ले लिख लिए थे और 5 नॉवेल्स उनके पब्लिश हो चुके थे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मुझे लगे जो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। देन आफ्टर द फोर चिल्ड्रन हैड ग्रोन अप ब्लैंची लेफ्ट हर हस्बैंड एंड लिव्ड सेपरेटली। अब ये जो ब्लैंची हैं ये उनकी मदर हैं। जब उनके चारों बच्चे बड़े हो गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था एंड सी स्टार्टेड टू लिव सेपरेटली, और उन्होंने अलग रहना शुरू कर दिया था। द लिटरेरी क्रिटिक एंड अकेडमिक माइकल मोलिनो सजेस्ट दैट शी वॉज द मॉडल फॉर हाईली स्ट्रॉन्ग एंड इमोशनली अलोफ वुमन इन हर सन्स नोवल सच एज मिसिज पेंडिस इन द कंट्री हाउस 1907 एंड फ्रांसिस फ्रीलैंड इन द फ्रीलैंड्स 1915। तो एक लिटरेरी क्रिटिक हैं गैल्सवर्दी के, कौन, माइकल मोलिनो। तो इन्होंने बताया है कि जो सी का मतलब है यहाँ पे ब्लैंची मीन्स गैल्सवर्दीज मदर, तो वो क्या थी, मॉडल बनी थी गर्ल्स, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और इमोशनली अलूफ वुमन थी जो कि गैल्सवर्दी के नोवेल में उनका क्या बनी थी, मॉडल बनी थी, एक तरह से सोर्स थी ये उनका
जैसे कि मिसिज पेंडिस, उनका जो वर्क, ये जो द कंट्री हाउस जो उनका वर्क है उसमें एक कैरेक्टर है मिसिज पेंडिस। तो मिसिज पेंडिस कंट्री हाउस में, जो कि 1907 में आया। और फ्रांसिस फ्रीलैंड द फ्रीलैंड्स में, जो 1915 में आया, उसके लिए मॉडल बनी थी। तो इन्हीं से जो है प्रभावित होकर गैल्सवर्दी ने इन वर्क में इस कैरेक्टर को रखा था। अब कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं। जॉय 1907 में आया उनका ये वर्क, इज अ स्टडी ऑफ अ यंग वुमेन्स अटेम्प्ट टू कोप विद द इनएडिक्वेसीज ऑफ हर पेरेंट्स। तो ये जॉय है 1907 में आया, ये इम्पोर्टेंट है इसमें। और इसमें क्या है, एक स्टडी है किसकी, यंग वीमेंस की, जो अटेम्प्ट करती है टू कोप विद द इनएडिक्वेसीज, अपर्याप्तता जो होती है ओवर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की, उससे क्या करने की, कोप विद करने की, मीन्स समझौता करने की। एंड फ्यूजिटिव जो 1913 में आया इनका वर्क, वो डिपिक्ट करता है अ मैरिज कोलैप्सिंग फ्रॉम द इनकॉम्पैटिबिलिटी ऑफ द कपल। तो फ्यूजिटिव में 1913 में आया, जिसमें कि हम क्या देखते हैं, किसी भी मैरिज को कोलैप्स होते हुए देखते हैं। देन स्ट्राइफ 1909, इसमें क्या डिपिक्ट किया गया है, स्ट्रगल ऑफ वर्कर्स इन अ कॉर्निश टिन माइन अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन बाय द एम्प्लॉयर्स, कि जो एम्प्लॉयर्स जो शोषण करते हैं छोटे जो श्रमिक वर्ग हैं उनका, उसके लिए स्ट्रगल को डिपिक्ट किया गया है इसमें, स्ट्राइफ में, जो 1909 में आया। देन जस्टिस 1910 में आया ये, और ये जो प्ले है उनका, ये अटैक्ट करता है, अटैक द यूज ऑफ सोलिटरी कन्फाइनमेंट इन प्रिजन, जो प्रिजन में, जो जेल में सोलिटरी कन्फाइनमेंट दिया जाता है, मीन जो पनिशमेंट दी जाती है अकेले रहने की, उसके ऊपर अटैक करता है। द थीम ऑफ द ओल्डेस्ट सन 1912 इज द रिप्रेशन ऑफ विमेन बोथ इन द फैमिली एंड सोसाइटी। अब जो एल्डेस्ट सन है वो 1912 में आया है, और इसमें रिप्रेशन दिखाया गया है विमेन का, कि किस तरह विमेन का शोषण किया जाता है, किस तरह उनको दबा के रखा जाता है, चाहे फैमिली हो या सोसाइटी हो, सब जगह विमेन की कंडीशन को इसमें दिखाया गया है। द मोब 1914, और ये जो वर्क है इनका, फोकसिस ऑन जिंगोइज्म एंड द पॉलिटिक्स एंड मोरालिटी ऑफ वार। तो इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय भक्ति होती है उसको, और या पॉलिटिक्स को दिखाया गया है, वार की मोरालिटी को दिखाया गया है, तो ये सब चीज़ें उन्होंने इसमें डिपिक्ट की हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो गैल्सवर्दी बिल्कुल अपने वर्क से एक तरह से सोशल वर्कर भी रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल समाज में जो भी उस समय की जो जितनी भी इविल थी, जितनी भी बुराइयां थी, उन सबको डिपिक्ट करने की कोशिश करते थे। नाउ उनके फर्स्ट वर्क के बारे में देख लेते हैं कुछ। गैल्सवर्दीज पब्लिश्ड हिज फर्स्ट वर्क ऑफ फिक्शन इन 1897 व्हेन ही वाज एज 30। तो जब उनका फर्स्ट वर्क आया था तो उनकी एज कितनी थी, सिर्फ 30 ईयर्स की थे वो। इट वाज अ वॉल्यूम ऑफ 9 शॉर्ट स्टोरीज, और ये 9 शॉर्ट स्टोरीज की एक वॉल्यूम थी। तो ये जोसेलिन वर्क के बारे में यहाँ पे बोला हुआ है, 1897 में उनका जो वर्क आया था वो क्या था, जोसेलिन। नाउ फ्रॉम द फोर विंड्स प्रिंटेड एट हिज ओन एक्सपेंस, फिर उन्होंने जो वर्क अपना पब्लिश किया था फ्रॉम द फोर विंड्स, वो उन्होंने अपने ही खर्चे से प्रिंट किया था। द बुक रिसीव्ड मैनी फेवरेबल रिव्यूज बट सेल्स वर मोडेस्ट, तो इसमें रिव्यूज तो कुछ आए थे उनके पास, लेकिन उसकी जो सेल्स थी बहुत कम थी। द यंग पब्लिशर गेराल्ड डकवर्थ वॉज विलिंग टू टेक अ चांस ऑन गैल्सवर्दी सेकेंड बुक अ नोवेल जोसलिन विच ही पब्लिश्ड इन 1898। तो 1898 में जो उनकी नोवेल थी जोसलिन, तो उसको
गेराल्ट डकवर्थ थे उनके पब्लिशर, वो तैयार हो गए थे चांस लेने के लिए कि हाँ ठीक है मैं पब्लिश करके देखता हूँ। क्योंकि जब कोई नया राइटर मार्केट में आता है तो ऐसा बहुत कम होता है कि सब लोग एकदम खुश होकर के एकदम से बुक्स खरीदने लगें, तो टाइम लगता है, तो स्टार्टिंग के जो कुछ स्ट्रगल उनको फेस करने पड़ते हैं। द ऑथर लेटर डिसमिस्ड हिज फर्स्ट टू बुक्स एज प्रेंटाइस वर्क्स, और अपनी जो स्टार्टिंग की जो दो बुक्स थी उन्होंने खुद ही उसको डिसमिस कर दिया था, उसको क्या बोला था उन्होंने कि बिल्कुल नौसिखिया वर्क है, मतलब स्टार्टिंग में उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था तो वो समझ गए थे ये वर्क उनके नहीं चलेंगे मार्केट में, तो उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया था। ही कॉल्ड फ्रॉम द फोर विंड्स द ड्रेडफुल लिटिल बुक, और उन्होंने अपनी जो बुक है फ्रॉम द फोर विंड्स उसको ड्रेडफुल लिटिल बुक भी बोला था। ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स ही होन्ड हिज स्किल्स, और फिर उन्होंने कुछ सालों तक अपनी स्किल्स को होन्ड होता है इम्प्रूव करना, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने का सोचा, क्योंकि उनको पता था अभी स्टार्टिंग में उनका वर्क ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, तो उन्होंने कुछ सालों तक फिर अपनी स्किल्स को उसमें डिवेलप किया राइटिंग में। ही लेटर सेड दैट ही वॉज राइटिंग फिक्शन फॉर 5 years बिफोर ही मास्टर्ड इवन द बेसिक टेक्निक्स, और उन्होंने खुद ही बताया बाद में कि अपनी बेसिक टेक्निक्स में मास्टरी करने से पहले उनको 5 साल हो चुके थे राइटिंग करते हुए, उन्होंने काफ़ी टाइम दिया राइटिंग को सुधारने में। ही स्टडीड द वर्क्स ऑफ टर्जेनेव एंड मोपैसेंट लर्निंग फ्रॉम देयर लिटरेरी क्राफ्टमैनशिप, और इनको ये राइटर्स ज़्यादा पसंद आए होंगे, इनके बारे में इन्होंने काफ़ी स्टडी किया, इनके स्किल से उन्होंने खुद को भी डिवेलप करने का सोचा, तो इसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने टर्जेनेव और मोपैसेंट इनको बहुत ज़्यादा पढ़ा और अपनी स्किल्स को सुधारने की कोशिश की। वाइल हिज फादर रिमेंड अलाइव, जब उनके फादर जिंदा थे गैल्सवर्दी के, गैल्सवर्दी रोट अंडर अ सिडोनिम जॉन सिंजोन इन हुज नेम हिज फर्स्ट 4 books वर पब्लिश्ड, तो अपने फादर के सामने वो इतनी हिम्मत कभी नहीं जुटा पाई कि अपने रियल नेम से वो लिखें, तो उन्होंने अपना एक सिडोनिम ले लिया था, एक कहते हैं काल्पनिक नाम रख लिया था जॉन सिंजोन, और इसी नाम से वो अपने वर्क को पब्लिश कराते थे। हिज 1901 कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज अ मैन ऑफ डेवन, तो ये अ मैन ऑफ डेवन उनका शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन था जो 1901 में आया था, इंक्लूडेड द सेल्वेशन ऑफ स्विथिन फोरसाइट, तो इसमें उन्होंने इंक्लूड किया था द सेल्वेशन ऑफ स्विथिन फोरसाइट को, द फर्स्ट एपिसोड इन वाट ही लेटर डिवेलप्ड इंटू अ 3-generation फैमिली सागा। तो देखिए इसका जो फर्स्ट एपिसोड था अ मैन ऑफ डेवन का, इसमें उन्होंने जो डिपिक्ट किया था द सेल्वेशन ऑफ स्विथिन फोरसाइट, इसी को आधार बनाकर उन्होंने अपना जो आगे ट्राइलॉजी लिखी थी द फोरसाइट सागा, वो इसी को डिवेलप करते हुए लिखी थी। नोन कलेक्टिवली एज द फोरसाइट क्रॉनिकल्स, और उनकी जो तीनों ट्राइलॉजीज रही हैं द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, मॉडर्न कॉमेडी और द एंड ऑफ चैप्टर, उन तीनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं द फोरसाइट क्रॉनिकल्स बोलते हैं। 2 years लेटर ही बिगेन राइटिंग द मैन ऑफ प्रॉपर्टी द फर्स्ट नॉवेल इन द सीक्वेंस, और 2 साल बाद ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था द मैन ऑफ प्रॉपर्टी को लिखना जो कि उनकी फर्स्ट नॉवल थी सीक्वेंस से। अब देख लेते हैं फोरसाइट क्रॉनिकल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं यहाँ। द फोरसाइट फैमिली ऑफ द सीरीज ऑफ नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज कलेक्टिवली नोन एज द फोरसाइट क्रॉनिकल्स इन सिमिलर इन मैनी वेज टू गैल्सवर्दीज फैमिली, और ये जो फोरसाइट क्रॉनिकल्स है ये उनकी तीनों ट्राइलॉजी को कलेक्टिवली नेम दिया गया है, और ये उनकी फैमिली के ऊपर बेस है, उनकी फैमिली के ही कैरेक्टर्स को इसमें डिपिक्ट किया गया है ऐसा माना जाता है। द पैट्रियार्क
ओल्ड जोलियन इज मॉडल्ड ऑन गैल्सवर्दीज फादर। और इसमें जो ओल्ड जोलियन का जो कैरेक्टर दिखाया गया है, जो कि यंग जोलियन के फादर हैं, तो ये गैल्सवर्दी के फादर के ऊपर ही मॉडल्ड किया गया है इनको। नाउ द मेन सीक्वेंस रन्स फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी टू द अर्ली 1930s, फीचरिंग थ्री जनरेशन ऑफ द फैमिली। और ये तीन जनरेशन्स को दिखाती है एक ही फैमिली के, जो कि 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी और अर्ली 1930 का ये जो यहाँ पे सीन यहाँ पे इन्होंने दिखाया गया है। द बुक्स वर पॉपुलर व्हेन फर्स्ट पब्लिश्ड एंड देयर लेटर डे पॉपुलैरिटी वाज बूस्टेड। तो ये जो इनकी बुक थी, ये जो जब से पब्लिश हुई तब से ही पॉपुलैरिटी इसकी बहुत ज़्यादा थी और धीरे धीरे और ज़्यादा बढ़ गई कंसिडरेबली व्हेन बीबीसी टेलीविजन ब्रॉडकास्ट अ 26 पार्ट अडेप्टेशन फॉर द ऑथर्स सेंटेनरी इन 1967। जब 1967 में इसी वर्क के ऊपर बीबीसी टेलीविजन ने एक ब्रॉडकास्ट किया था एक 26 पार्ट के अडेप्टेशन का, मीन्स एक इन्होंने जो है इसी सीरियल के ऊपर बेस करके टेलीविजन पर एक सीरियल आया था, यहाँ दिया हुआ है पॉपुलैरिटी वाज बूस्टेड। इसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो कब से बढ़ी थी, कंसिडरेबली व्हेन बीबीसी टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, जब बीबीसी टेलीविजन ने ब्रॉडकास्ट किया था 26 पार्ट अडेप्टेशन फॉर द ऑथर्स सेंटेनरी इन 1967। गॉट इट। अब यहाँ पे गैल्सवर्दी के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स दिए हुए हैं, जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। गैल्सवर्दी रोट 20 नॉवेल्स, तो गैल्सवर्दी ने टोटल 20 नॉवेल्स लिखे हैं, 28 उन्होंने प्लेज लिखे हैं, 5 कलेक्शंस ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, 3 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, 11 वॉल्यूम्स ऑफ एसेज एंड स्केचेस एंड ओकेशनल स्टोरीज एंड पैम्पलेट्स, उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स भी लिखे हैं। अनपब्लिश्ड एसेज एंड स्केचेस ही रोट इन लॉन्ग हैंड रिवाइज्ड एक्सटेंसिवली एंड हिज वाइफ द ओनली सेक्रेटरी ही एवर हैड टाइप्ड हिज कंप्लीटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स। तो उनकी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी उनको टाइप कौन करता था, उनकी वाइफ करती थी एडा गैल्सवर्दी, जो कि उनकी एकमात्र सेक्रेटरी रही हैं। नाउ नॉवेल्स देख लेते हैं उनके। ऑफ गैल्सवर्दीज 20 नॉवेल्स 9 आर अबाउट फोरसाइट, द लास्ट 3 टेंजेंशियली सो एंड द अदर 11 आर ऑल वन ऑफ स्टोरीज। तो इसमें जो उनके 20 जो नॉवेल्स हैं उसमें से 9 तो फोरसाइट सागा में ही लिए गए हैं, मीन्स फोरसाइट में जो ट्रायलॉजीज दी गई हैं उसके ऊपर बेस हैं, और जो बाकी के बचे उनके 11 जो नॉवेल्स हैं उसमें वन ऑफ स्टोरीज है। नाउ फ्रॉम दिस फ्रेंच डिवाइड्स द नॉवेल्स इंटू 5 पीरियड्स। अब ये जो फ्रेंचेट हैं इन्होंने डिवाइड किया है उनके नॉवेल्स को 5 पीरियड्स में। द फर्स्ट कंसिस्टिंग ऑफ द टू नॉवेल टू अर्ली वंस, फर्स्ट इज जोसलिन 1898 एंड विला रूबेन 1900। बिटवीन 1901 टू 1909 देयर वर 4 नॉवेल्स कैरेक्टराइज्ड एज क्रिटिकल। तो देखिए 1901 से 1909 के बीच में उन्होंने 4 नॉवेल्स लिखे थे जिसको क्रिटिकल के नाम से कैरेक्टराइज किया गया है, और वो कौन कौन से नॉवेल हैं, द आइलैंड फेरीज 1904 में, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, द कंट्री हाउस 1907 एंड फ्रैटर्निटी 1909। उसके बाद दीज बुक्स
रिफ्लेक्ट द ऑथर्स डिस्पैरेजिंग व्यू ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश सोसाइटी सच एज हाइपोक्रेसी सेल्फिशनेस एंड एक्सप्लोइटेशन ऑफ द पुअर एंड वुमेन ऑफ ऑल क्लासेस। तो ये जो उनकी बुक्स हैं ये क्या रिफ्लेक्ट करती हैं, ये रिफ्लेक्ट करती हैं ऑथर के डिस्पैरेजिंग व्यूज को, जो वो मतलब एक तरह से ब्रिटिश जो सोसाइटी थी उसको डिस्पैरेज करते हैं, उसकी निंदा करते हैं इन वर्क को, इन वर्क के अकॉर्डिंग इनके माध्यम से। और किस किस अवगुण को वो इसमें दिखाते हैं, जैसे ब्रिटिश सोसाइटी की हाइपोक्रेसी, उनकी पाखंडी जो उनकी प्रवृत्ति थी, सेल्फिशनेस उनके स्वार्थ को, और एक्सप्लोइटेशन शोषण को, और शोषण जो वो गरीबों का शोषण करते थे, जो सभी क्लासेस की औरतों के साथ जो शोषण किया जाता था उसको इन्होंने इस वर्क के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। हिज सेंसर वाज सीन इन कंजर्वेटिव सर्कल्स एज स्कैंडलस एंड द ऑथर वाज रिगार्डेड बाय सम एज अ ट्रेटर टू हिज ओन क्लास। तो यहाँ पे देखिए गैल्सवर्दी ने हमेशा रूढ़िवादिता जो थी या समाज की जो भी बुराइयाँ हैं उन सबको यहाँ पे उन्होंने अपने वर्क के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। अब ही फर्दर ऑफेंडेड कंजर्वेटिव बाय हिज अटैक्स ऑन इम्पीरियलिज्म। तो इन इम्पीरियलिज्म पर अटैक के माध्यम से उन्होंने यहाँ पे क्या है, कंजर्वेटिव को भी ऑफेंड किया है, उसका भी विरोध किया है। किसमें, इन द आइलैंड फेरीज में ही रोट, उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है, वाई शुड वी अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन अज्यूम दैट आवर स्टैंडर्ड्स आर द प्रॉपर वंस फॉर एवरी काइंड ऑफ रेस। कि हमें ऐसा क्यों लगता है हम सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन हैं पूरे संसार की पॉपुलेशन के, मींस पूरे संसार में जो जनसंख्या है हम उसके एक छोटे से पार्ट हैं, उसके बावजूद भी हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे जो नॉर्म्स हैं, वाई शुड वी अज्यूम दैट आवर स्टैंडर्ड्स, हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, हमारे जो मानक हैं, आर द प्रॉपर वंस फॉर एवरी काइंड ऑफ रेस। वो जितनी भी तरह की रेस हैं, किसी भी तरह की कंडीशन है, सबके अकॉर्डिंग हमारे स्टैंडर्ड कैसे प्रॉपरली फिट हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट पीरियड फ्रॉम 1910 टू 1919 प्रोड्यूस्ड 6 नॉवेल्स कैरेक्टराइज एज लिरिकल और वार टाइम। और उनका जो नेक्स्ट पीरियड था वो है 1910 टू 1919, जिसमें उन्होंने 6 नॉवेल्स को कैटेगराइज किया गया है उनके, और उसको किस नाम से कैटेगराइज किया गया है, लिरिकल या वार टाइम के नाम से। और ये नॉवेल्स यहाँ पे कौन से हैं, द पैट्रिशियन 1911, द डार्क फ्लावर 1913, द फ्रीलैंड्स 1915, बियॉन्ड 1917 एंड द बर्निंग स्पीयर 1919 एंड सेंट्स प्रोग्रेस 1919। आफ्टर दिस फ्रेचिट लिस्ट द 1920 टू 1928 फोरसाइट नॉवेल्स एज अ कैटेगरी ऑफ दियर ओन। अब जो ये जो फ्रेचिट हैं इन्होंने 1920 से 1928 का जो इनका वर्क है वो है फोरसाइट नॉवेल, और उसको कैटेगराइज किया गया है जैसे कि उनके खुद के ऊपर, कि ये जो वर्क है उनके खुद की लाइफ से रिलेटेड है। इन चेंसरी 1920 टू लेट 1921, द वाइट मंकी 1924, द सिल्वर स्पून 1926 एंड स्वैन सॉन्ग 1928। द लास्ट ग्रुप इन फ्रेचिट समरी ऑफ गैल्सवर्दीज क्लासिफिकेशंस कंसिस्ट ऑफ द फाइनल ट्रायलॉजी। अब इनके जो लास्ट जो इन्होंने ग्रुप बनाया है उसमें इन्होंने उनकी फाइनल ट्रायलॉजी को डाला है, जो है मेड इन वेटिंग 1931, फ्लावरिंग वाइल्डरनेस 1932 एंड ओवर द रिवर कंप्लीटेड इन 1932। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गैल्सवर्दी के जो जितने भी वर्क हैं उसको
पीरियड वाइज किसने कैटेगराइज किया है, तो वहाँ पे भी हमारा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि फ्रेचेट ने इसको कैटेगराइज किया है। नेक्स्ट है, फ्रेचेट कमेंट्स दैट द रिकरिंग थीम्स ऑफ गैल्सवर्दीज नॉवेल्स आर इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस ब्यूटी लव एंड सफरिंग डाइवोर्स ओनर आर्ट एंड लॉ। तो फ्रेचेट ने यहाँ पे कमेंट किया है, तो जो थीम है गैल्सवर्दी के नोवेल की वो क्या है, वो एक ऑर्डर है इम्पोर्टेंस ब्यूटी वो है ब्यूटी लव सफरिंग डाइवोर्स ओनर आर्ट एंड लॉ। ब्यूटी कम्स फर्स्ट बिकॉज इन एवरी केस इट कोइंसाइड्स विद लव। तो ब्यूटी पहले आती है क्योंकि किसी भी एस्पेक्ट में किसी भी पहलू में ये क्या है लव के साथ कोइंसाइड्स करती है, उसके साथ अपनी सामंजस्यता को बनाती है। ही बिलव्ड एंड द बिलव्ड वुमन इज ऑलवेज वेरी ब्यूटीफुल। और जो बिलव्ड वुमन है वो हमेशा क्या है सुंदर होती है। बट नॉट ओनली विमेन द नेचुरल सेटिंग फॉर द एक्शन इज ऑल्सो अनफेलिंग लवली। द ब्यूटी ऑफ अ वुमन एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर आर द सेम काइंड। तो उन्होंने ब्यूटी ऑफ वुमन और ब्यूटी ऑफ नेचर प्रकृति की सुंदरता और वुमन की सुंदरता को यहाँ पे सिमिलैरिटी दोनों में दिखाई है कि वो दोनों क्या है एक ही तरह की हैं। मनी एंड फैमिली आर इम्पोर्टेंट फीचर्स। जो मनी और फैमिली हैं दोनों इम्पोर्टेंट फीचर्स होते हैं, बट जनरली एज द बैकग्राउंड टू रेदर देन द क्रक्स ऑफ द प्लॉट। नाउ एज वेल एज राइटिंग प्लेज एंड नॉवल्स विद सोशल मैसेजेज गैल्सवर्दी कैंपेन्ड कंटिन्यूअली फॉर अ वाइड रेंज ऑफ कोज अबाउट विच ही फेल्ट स्ट्रोंगली फ्रॉम एनिमल वेलफेयर टू प्रिजन रिफॉर्म सेंसरशिप एंड वर्कर्स राइट्स। तो इतना पढ़ के हम यहाँ पे समझ चुके हैं अच्छे से। तो गैल्सवर्दी ने जितने भी हैं अपने नॉवल्स हैं प्लेज हैं सभी के माध्यम से एक सोशल मैसेज देने की कोशिश की है। उन्होंने अपने एक कैंपेन चलाई है वाइड रेंज पे, कैसे, या तो क्या है एनिमल वेलफेयर को लेकर के, या जो प्रिजन रिफॉर्ममेंट है उसको लेकर के, या जो सेंसरशिप है वर्कर्स के राइट्स की उसको लेकर के। तो जो भी है उन्होंने समाज का उद्धार करने की कोशिश की है। अब यहाँ गैल्सवर्दीज के कुछ इम्पोर्टेंट प्लेज हैं इनको हम देख लेते हैं। द सिल्वर बॉक्स 1906 का ये वर्क है इनका। देन जॉय 1907, स्ट्राइफ 1909, जस्टिस 1910, द लिटिल ड्रीम 1911 में आया इनका, द पिजन 1912 में आया, द एल्डेस्ट सन 1912। तो किसी भी वर्क की वहाँ पे डेट आ सकती है या डेट आके ये बता सकते हैं कि इसमें बताइए उनका कौन सा वर्क आया था। द फ्यूजिटिव 1913, द मोब 1913, अ बिट ऑफ लव 1915, द फाउंडेशंस 1916, द स्किन गेम 1920, देन सिक्स शॉर्ट प्लेज हैं उनके जो 1921 में आए थे, अ फैमिली मैन 1921, लॉयल्टीज 1922, विंडोज 1922, द फोरसाइट 1924, ओल्ड इंग्लिश 1924, द शो 1925, एस्केप 1926, द सिल्वर स्पून 1926, एग्जाइल्ड 1929 एंड द रूफ 1929। तो ये जितनी भी डेट्स यहाँ पे दी गई हैं ये सारी अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए हमें, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। आगे देखते हैं कुछ और वर्क उनके। तो यहाँ पे उनके सिक्स शॉर्ट प्लेज भी दिए गए हैं, ये वन एक्ट प्लेज हैं उनके, जिसमें द फर्स्ट एंड द लास्ट, द लिटिल मैन इन 1915, होल मार्क्ड, अ सैटायरिक ट्रिफल, डिफीट, अ टाइनी ड्रामा, द सन, अ सीन,
और पंच एंड गो अ लिटिल कॉमेडी इन 1935, ये छह उनके शॉर्ट प्लेज हैं। उसके बाद कुछ और वर्क हैं यहाँ पे, ये सब हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। इसमें जो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे आ गया है, न्यू वर्क है ये, 1929 में रूफ है द रूफ, और 1935 में द विंटर गार्डन। तो ये दो वर्क मुझे लगता है ये कुछ नए होंगे आप लोगों के लिए। देन पोएम्स, इनकी जो पोएम्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। लास्ट ईयर एग्जाम में इनकी पोएम्स पूछी गई थी, तो 1912 में उन्होंने लिखा है मोड सॉन्ग्स एंड डोगलर्स, देन 1921 में द बेल्स ऑफ पीस, 1927 वर्सेस ओल्ड एंड न्यू, 1932 40 पोएम्स, 1934 कलेक्टेड पोएम्स, पास्ट अ ड्रीम और एरेंट्री। तो इसमें से जो कुछ पोएम्स के नाम लिख करके एक पोएम अलग से लिख देंगे कि बताइए इनमें से कौन सी गैल्सवर्दी की नहीं है। देन डेवन टू मी, रसिया अमेरिका और इंग्लैंड टू फ्री मैन, एन एंग्री यंग हस्बैंड कॉल्ड बिकेट, ये भी उनका एक वर्क है। देन गैल्सवर्दी हैज रिटन इन ऑल अराउंड लेस देन 100 पोएम्स, तो 100 पोएम्स से उन्होंने कम लिखी हुई हैं। अब उनके कुछ एसेज हैं यहाँ पे, जैसे कि 1912 में आया था क्वालिटी, 1912 में आया द इन ऑफ ट्रैंक्विलिटी, 1912 में एड्रेसेस इन अमेरिका, 1930 टू एसेज ऑन कॉनरेड, एंड कुछ कलेक्शंस हैं उनके, अ मैनहट्टन एडिशन 1923 टू 1926, जो 30 वॉल्यूम्स हैं इसके, देन ग्रोव एडिशन 1927 टू 34, इसके 27 वॉल्यूम्स हैं। और कुछ अदर इम्पोर्टेंट पोएम्स और वर्क्स दिए हुए हैं उनके यहाँ, तो अदर इम्पोर्टेंट वर्क्स में उनके हैं शॉर्ट स्टोरीज, एसेज और लेटर्स, जैसे विला रूबिन एंड अदर स्टोरीज 1900, एस जॉन सिंह जोन, ये जॉन सिंह जोन जो उनका सिडोनिम है उस नाम से इन्होंने पब्लिश करवाई थी। फिर अ कमेंट्री 1908, फ्रेटर्निटी 1909, जस्टिफिकेशन फॉर द सेंसरशिप ऑफ प्लेज 1909, देन अ मोटली 1910, जैपनीज क्वींस 1910, स्प्रिट ऑफ पनिशमेंट 1910, हॉर्सेस इन माइंस 1910, द पैट्रिशियन 1911, और उसके आगे है पैट्रिशियन 1911, मूड सॉन्ग्स एंड डोगलर्स, ये भी उनका 1911 का वर्क है। लेट मी चेक वंस, ये 1912, ये यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है ये पार्ट इसका, 1912 में। देन फॉर लव ऑफ बीस्ट 1912, देन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स 1913, ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स 1913, देन द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स। तो ये जो द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स है, इसके आगे फॉर फूड, कि जो एनिमल्स का जो स्लॉटर होता है सिर्फ फूड के लिए, खाने के लिए, वो इनका वर्क आया 1913 में। देन डार्क फ्लावर 1913, द फ्रीलैंड्स 1915, अ शेफ 1916, बियॉन्ड 1917, फिर उनकी ये फाइव टेल्स हैं यहाँ पे 1918 में। तो ये वर्क मैंने बुक से लिया हुआ है, क्योंकि कुछ वर्क मुझे लगा कि उसमें हमारा कोई मिसिंग ना हो, एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा हम कवर कर लें। द फर्स्ट एंड लास्ट आइस्टोइक, द एप्पल ट्री, ये फाइव टेल्स हैं इनकी, द जूरी मैन और इंडियन समर ऑफ फोरसाइट ऑफ द फोरसाइट सागा। तो ये जो इंडियन समर ऑफ फोरसाइट है, ये फर्स्ट इंटरल्यूड है फोरसाइट सागा से। उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट वर्क है यहाँ पे, द सेंट्स प्रोग्रेस 1919, टेटर डिमेलियन शॉर्ट स्टोरीज हैं ये, फिर कैप्चर्स 1923 में ये वर्क आया है, अ मोटली 1910, अ जैपनीज क्वींस 1910, आई थिंक ये रिपीट हो गया है यहाँ पे, यस, ये सब हमारा हो चुका है।
जी यहाँ पे थोड़ा सा ये बचता है बस, उसके बाद ये वीडियो ख़त्म करेंगे हम। देखिए सेंट प्रोग्रेस 1919, टेटर डिमेलियन शॉर्ट स्टोरीज है 1920, कैप्चर्स 1923, आबरा का डाबरा 1924, ओल्ड इंग्लिश 1924, देन कारवा द असेंबल्ड टेल्स ऑफ जॉन गैल्सवर्दी न्यूयॉर्क, चार्ल्स स्क्रिबनर्स सन्स 1925, देन कैसल इन स्पेन 1927, फिर है बॉम्बी मार, ये मार्च 16, 1928 में रोड द फॉरवर्ड टू फेलिक्स, और साल्टन्स नाउ फेमस नोवेल, देन सोम्स एंड द फ्लैग 1930, द क्रिएशन ऑफ द कैरेक्टर इन लिटरेचर 1931, द रोमेंस लेक्चर फॉर 1931, द ऑटोबायोग्राफिकल लेटर्स ऑफ गैल्सवर्दी, कोरेस्पोंडेंस विद फ्रैंक हैरिस 1933, द लाइफ एंड लेटर्स 1935, द विंटर गार्डन 1935, ये इम्पोर्टेंट है देखिए, देन फोरसाइट स्पेंडिस एंड अदर्स 1935, सिलेक्टेड शॉर्ट स्टोरीज 1935, ग्लिम्सिस एंड रिफ्लेक्शन 1937, देन गैल्सवर्दीज लेटर्स टू लियोन लायन 1968 एंड लेटर्स फ्रॉम जॉन गैल्सवर्दी 1900 टू 1932 एंड देन 1970। तो इस वीडियो में मैंने सोचा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्क हम गैल्सवर्दी का यहाँ पे कवर कर सकें, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कर सकें वो करें, तो मैंने काफ़ी कोशिश की है इस वीडियो को अच्छे से अच्छे एक्सप्लेन करने की। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए, और आपके जो भी फीडबैक्स हैं या जो भी आपकी कमेंट्स हैं कमेंट बॉक्स में देना ना भूलिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।